अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ काशिफ हुसैन, लीड ट्रेनर एंड कंसल्टेंट फॉर JDCRE सिटी। और आई एम द सेशन ट्रेनर एंड टुडे वी आर बेसिकली लुकिंग फॉरवर्ड टू फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर अमेजन एडवर्टाइजमेंट एंड दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो आई थिंक गेस। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू क्रिएट कैंपेन्स एंड वी आर गोइंग टू रीड द कैंपेन। So let's go live. So right now we are in Seller Central, Amazon Seller Central, and here we are going to create campaign. So from here, main menu, आपने advertising पे जाना है, उसके बाद campaign manager. वैसे marketing का ये पूरा section है, A plus content manager है. अगर आप brand approval आपके पास होगा तो ये enable होगा आपके पास. वाइन प्रोग्राम, आप अगर रिव्यू लेना चाहते हैं तो ये वाइन प्रोग्राम जो है अमेजोन आपको देता है, लेकिन इसके लिए चार्जेस रहता है $200-$250 सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है। डील्स है, अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप 7 डे डील्स के अंदर इनवाइट करता है, आप डील्स क्रिएट करें और आप उसके अंदर जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपने उसमें ऑफ देना होता है तो वो डील के अंदर भी आप आ सकते हैं। कूपन्स हो गया, कूपन्स होता है वो बाय वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ, 10% ऑफ, बाय वन गेट सेकंड जो है वो 10% ऑफ, इस तरह से प्रमोशन यहां पे चलते हैं। तो कूपन्स एंड प्रमोशन का है यहां पे, ठीक है। कूपन्स के अंदर जो है वो आप कूपन्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ये कोड आप अप्लाई करें और उसके बाद आपको इतना परसेंटेज मिलेगा, तो ये आपका कूपन्स का सेक्शन होता है। तो वी आर गोइंग टू लुक कैंपेन मैनेजर, जहां से हम कैंपेन क्रिएट करते हैं और जहां से हम कैंपेन ऑप्टिमाइज करते हैं। दिस इज अ डैशबोर्ड फॉर कैंपेन्स। अच्छा, अब जो चीजें मैंने आपको अलिफ बे जो कायदा मैंने पढ़ाया था आपको अमेजॉन एडवर्टाइजमेंट का, तो अगर आप देखें तो वो चीजें आपको यहां पर नजर आ रही हैं। स्पेंडिंग, एड सेल, इंप्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स, ACOS, ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, क्लिक थ्रू रेट, CPC, ये नहीं देखा था आपने। CPC क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। अगर मैं यहां पे स्पेंडिंग हुआ है $322, क्लिक्स आए हुए 295, इसको डिवाइड कर दूं अगर मैं तो मेरे पास पर क्लिक कॉस्ट आ जाएगा, इजी। तो ये सीपीसी कॉस्ट है जो कि आपका एक क्लिक कॉस्ट है। क्या मुझे अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर? गुड। अब मेरे पास एक और चीज है, वो ये कि जब घरों के अंदर किसी भी घरों में जो एक एल्बम होंगे, शादियां होती हैं, सालगिरह होता है, सब कुछ होता है, तो आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एक एल्बम के अंदर सारी तस्वीरें डालना शुरू कर दी। पहले हुआ करता था, अब नहीं। अब क्या होता है, एक अलग अलग एल्बम, शादी का अलग, वलीमे का अलग, माइयों का अलग, मेहंदी का अलग, बच्चे के सालगिरह का अलग। ये क्या होता है एल्बम, हम यहां पर कहते हैं पोर्टफोलियो को, हम पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली एक प्रोडक्ट्स के कई कैंपेन हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25 हो सकते हैं। अगर मैं 4 या 5 प्रोडक्ट लॉन्च करूं, 100 कैंपेन हो जाए, तो आपके लिए तमीज करना मुश्किल हो जाएगा, यार मैं किस कैंपेन को रीड करने जा रहा हूं, किस प्रोडक्ट को मैं ऑप्टिमाइज करने जा रहा हूं, उसके लिए 25 कैंपेन, ये तो सारा मिक्स बन गया, मिक्स प्लेट हो गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। इट्स जस्ट अ लेबल, आपने यहां पर जाके क्रिएट करना है और नाम डाल देना है। जैसे मैंने यहां क्रिएट कर दिया वेजी चॉपर, तो मेरे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट तो कैंपेन बना हुआ है, लेकिन इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कैंपेन नहीं बना हुआ, ये खाली है क्योंकि ये प्रोडक्ट यहां पे है भी नहीं, जीरो है। ऐसे ही अब मैंने क्या करना है कि कैंपेन क्रिएट करने बोल रहा है मैं, ऐसे ही कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां पे एड कैंपेन भी लिखा हुआ है कि अगर तो कैंपेन क्रिएट हुआ हुआ है और इस पोर्टफोलियो से बाहर है, इसके अंदर एड कर ले, इनवाइट कर ले उसको। आगे अब हमारे पास क्या है, वो 3 कैंपेन नेम है जो मैंने आपको बताया था, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। और हमारे पास देखें यहां पर कंटिन्यू मौजूद है, क्योंकि मेरा ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों ऑफ है। ये कह रहा है कि एनरोल योर ब्रांड, एनरोल योर ब्रांड, ऐसे ही। लेकिन इसकी प्लेसमेंट से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसके बाद जो फर्स्ट लाइन है,
सेकंड लाइन जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का है, ये ऐसे भी आता है और ऐसे भी आता है, डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स कितने हैं वहां पे। उसके बाद स्पॉन्सर्ड ब्रांड, ये आपका टॉप है जो कि कस्टमर एक्विजिशन के लिए और स्टोर लिंक लैंडिंग पेज पे जो भेजता है आपके अमेज़न के। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ये वीडियोस चलते हैं यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, वीडियोस चल रही होती है, सेंटर पे चल रहा होता है, ये उसके लिए। तो सबसे पहले कंटिन्यू प्रोडक्ट्स, अब हमारे पास कैंपेन क्रिएट करने के लिए विंडो ओपन हो चुका है। और पहला हम जो इग्नोर करते हैं एड ग्रुप को रहने दें, हम आगे आते हैं और सबसे पहले आपसे ये कह रहा है कि किस पर कैंपेन चलाना है। हो सकता है यहां पे 10 प्रोडक्ट हो, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना हो, आपने सिलेक्ट कर लिया, हो गया। ऊपर चलते हैं, कैंपेन कितने किस्म के होते हैं, दो, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। पहला मैं करूंगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मकसद क्या होता है, डिस्कवरी, डिस्कवर, गो एंड डिस्कवर। ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन बट बजट। हमारा कोई डेटा रिकॉर्डेड नहीं है अमेज़न में, क्योंकि हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या कीवर्ड हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक कैंपेन लॉन्च करेंगे ताकि अमेज़न को जहां जहां लगेगा मुझे मेरे प्रोडक्ट के एड को प्लेस करेगा, उसके अगेंस्ट इंप्रेशंस आएंगे, क्लिक्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, मुझे रेलेवेंसी मिलेगा, ऐसा ही। तो ये ऑटोमेटिक का काम होता है, आपको डिस्कवरी फेज में लेके जाना। उसके अंदर जैसा कि मैंने कहा, आपको क्या बताना है, बजट। आप बजट बता दें, अमेज़न सजेस्ट कर रहा है कि आप डिफॉल्ट बेट 53 रखें, इसको आपने सजेस्टेड डिफॉल्ट पर ही रखना है, इसको डिफॉल्ट पर रखें। उसके बाद नेगेटिव को इग्नोर करें, आगे आ जाएं कैंपेन। तो ये अब आपके पास क्या है, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। कितनी स्ट्रेटेजी है आपको पता है, हम क्या करेंगे, डाउन ओनली पे रखेंगे। अगर हमारे ग्रोथ का टाइम है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद कैंपेन का नाम रखें ऑटो कैंपेन। और उसके बाद पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है, जो पोर्टफोलियो उसे सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट हुआ यहां पे। तो मैं अगर वही चॉपर पे सिलेक्ट क्लिक करूंगा तो वही चॉपर में चले जाएगा ये कैंपेन बनने के बाद। स्टार्ट डेट आज ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। बजट कितना है भाई, $5 का बजट है या $50 बजट है, जो भी बजट आप प्लान करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, लॉन्च। मुश्किल था, आसान था, ऑटोमेटिक कैंपेन क्रिएट हो गया। अब मैं दोबारा जाता हूं बैक, और अब बारी किसकी है, मैनुअल। दोबारा से मैं गया अपने वेजी चॉपर में, दोबारा से मैं यहां गया क्रिएट कैंपेन, and this time we are going to create manual campaign. Continue from sponsored product. We will start with adding a product, and this time we are going to select targeting, manual targeting. और manual targeting के अंदर दो बताया था मैंने आपको, एक keyword targeting होता है और एक product targeting होता है। Product targeting के अंदर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि keyword के अंदर हम क्या feed करेंगे, कैंपेन को क्या फीड करेंगे। अब हम जो फीड करेंगे ना, आप ये समझ लें चिकन है, उसको जब आप फीड करेंगे वही वो खाना है, उसने वही पिक करना है। ये मैनुअल मोड पे है। तो अब हम कीवर्ड फीड करने जा रहे हैं कैंपेन रन करने के लिए, ठीक हो गया। दूसरा जो कैटेगरी है हमारे पास प्रोडक्ट टारगेटिंग, उसमें क्या फीड करेंगे मुझे कौन बताएगा। आई वॉन्ट टू सी के How best you have been so far? Product hunting, step one, वहां से ताल्लुक इसका। Good, good, good. सबकी आवाज आनी चाहिए। Product का मतलब ही ऐसे ना, कीवर्ड के बाद दूसरा AC नहीं आता ना,
तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, कीवर्ड को। सो लेट्स क्रॉस द कीवर्ड, आगे आ जाए। अब है असल चीज जो मैंने आपको समझाया था, वो क्या समझाया था, मैच टाइप। इसमें आपके पास यहां पे आ रहा है ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट, ऐसे ही है। कह रहा कीवर्ड टारगेटिंग, किसको टारगेट करना है आपने, क्या आपके पास कीवर्ड है। हमारे पास कीवर्ड है क्या, कहां से आया हमारे पास कीवर्ड, हमने सेरिब्रो किया था, सेरिब्रो के अंदर हमने पोजीशन 1 to 30 कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किया था हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वहां से रेलेवेंट कीवर्ड आउट कर लें। इसके लिए एक छोटी सी वीडियो मैं बना के डालूंगा या लाइव सेशन करूंगा, हो सकता है कि इस वीक के बाद वाले वीक में, वो होगा रेलेवेंसी के बारे में, रेलेवेंसी कैसे निकालते हैं। तो वो कैंपेन चलाने के लिए रेलेवेंसी उस 150-200 कीवर्ड में से 50 कीवर्ड चाहिए। आसान है बहुत, बस यू विल सी के बोले अच्छा यार ऐसा है, फॉरन हो जाएगा। तो आप आपने 50 मैनुअल कीवर्ड लेकर आपने यहां पर आना है, इसको हटा दे, इसको हटा दे, कौन सा मैच टाइप बचा, एग्जैक्ट। Amazon वैसे आपको यहां भी सजेस्ट कर रहा है, ये कर लो, 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 बट वी आर नॉट टेकिंग इट फ्रॉम हियर। वी डोंट नो कि किसका CPR कितना है, किसके रेलेवेंसी है कि नहीं है, नथिंग। तो हम क्या करेंगे, यहां से एंटर लिस्ट, इधर आके अपना लिस्ट पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहां से क्या करता हूं, लिस्ट पिक कर लेता हूं, कुछ कीवर्ड फॉर जस्ट टेस्टिंग। मैंने कहा कि मेरे ये रेलेवेंट कीवर्ड है जो मैंने निकाला था रिसर्च के बाद, यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको ऐड कर दूंगा। ऐड हो गया यहां पे फिलहाल। अब ये एग्जैक्ट मैच टाइप है। अब एक और मिसाल और सुने, मेरे 3 नौकर हैं, 3 सर्वेंट हैं, 3 लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, एग्जैक्ट फ्रेज एंड ब्रॉड, ये भी याद रहेगा, आप लोग भूलेंगे नहीं। एग्जैक्ट को मैंने कहा कि भाई जाओ तुम जो है ना चाय लेके आओ। एग्जैक्ट गया चाय लेने के लिए, उसके दिमाग में क्या है, चाय लाना है। वहां पर फ्रेज ब्रॉड भी खड़े हुए थे, तो उन्होंने देख लिया भाई कि ये जो है चाय लेने गया। अब मैंने कहा कि फ्रेज तुम जाओ यार जरा कि बिस्किट लेके आओ, लेकिन फ्रेज को मैंने ये बोल दिया भाई चाय लेके नहीं आना। साथ में क्या कहा उसके दिमाग में, चाय लेके नहीं आना। उसके दिमाग में चाय मैंने क्या किया, नेगेटिव कर दिया। अब वो चाय कभी भी मर के भी लेके नहीं आए, ऐसे ही। तो फ्रेज ने अब क्या करना है, सिर्फ बिस्किट लेके आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट एग्जैक्ट कीवर्ड पे काम करेगा, फ्रेज फ्रेज टाइप पे ही काम करेगा, वो एग्जैक्ट पे काम नहीं करेगा। आ रही बात समझ में, ये है काम। इसलिए मैंने जो एग्जैक्ट का काम था, यानी एग्जैक्ट के जो कीवर्ड थे, उठा के फ्रेज में नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इधर नेगेटिव की कोई कहानी नहीं है क्योंकि अभी मैं एग्जैक्ट को भेज रहा हूं काम करने, सो ही विल लीव। ऐड कर दिया मैंने यहां पे, नेगेटिव को टच नहीं करना, ठीक हो गया। डाउन ओनली, कैंपेन का नाम है मैनुअल एग्जैक्ट 50 कीवर्ड्स, कैसा है, सही है। उसके बाद इसका बजट अब सेट कर दे $5 लॉन्च, खत्म हो गया। एक कैंपेन बना, कौन सा, मैनुअल एग्जैक्ट 50 कीवर्ड्स, एग्जैक्ट मैच टाइप बना है ना, इसलिए ये हम बताएंगे बजट कैसे। बजट के लिए आपके पास ये होता है कि 50% आपके क्लाइंट का जो बजट है, $300 अगर बजट है, तो 50% ऑटो पे और 50% मैनुअल पे। उसके बाद जो है फिर हम फर्दर स्प्लिट करते हैं मैनुअल के अंदर। उसके और उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा मैच टाइप अब क्या है, तो हमारे पास जो एक कैंपेन ऐड हो गया,
और इसी तरीके से एग्जैक्ट क्रिएट करने के बाद हम मैनुअल कैंपेन पे दोबारा आ जाएंगे, और अब की बार जो है हमने मैच टाइप किसको सेलेक्ट करना है, फ्रेज को। अगला स्टेप सिंपल ये है कि जाके दोबारा क्रिएट करें, सेम प्रोसीजर। आपने इस बार क्या करना है, फ्रेज को सेलेक्ट करना है, और फ्रेज को सेलेक्ट करने के बाद अगेन वो 50 कीवर्ड यहां पे डाल दें, और उसके बाद इसको ऐड कर दें यहां पे। ऐड करने के बाद अब आप सिंपली आके नीचे यहां पे आएंगे, नेगेटिव में ये आपने देखना है कि नेगेटिव में आपने फ्रेज कैंपेन क्रिएट करते हुए तमाम कीवर्ड आपने क्या करना है, नेगेटिव कर देना। सेम जो आपने यहां पे ऊपर कॉपी किया ना, फ्रेज मैच टाइप पे आपने क्या करना है, यहां पे उसी को नेगेटिव भी कर देना है, ताकि फ्रेज इन कीवर्ड पे काम ना करे, बल्कि मुझे वो वेजी चॉपर नहीं चाहिए फ्रिज से, मुझे चाहिए प्लास्टिक वेजी चॉपर विद प्लास्टिक कंटेनर या विद कंटेनर, मुझे ये कीवर्ड लाके दो, वेजी चॉपर लाके ना दो। तो ये फ्रेज अब आपका काम करेगा इन कीवर्ड्स के ऊपर। समझ में आई या नहीं फ्रेज का? ठीक हो गया। अब क्या है, इसी तरीके से वापस एक तीसरा कैंपेन क्रिएट करें, और अब की बारी किसकी है, ब्रॉड। इस तरह से किया आपने, ऐड किया यहां पे, और ये कैंपेन यहां पे ऐड हुआ। नेगेटिव पे दोबारा आपने सारे कीवर्ड पेस्ट कर देने, और एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने हमेशा नेगेटिव एग्जैक्ट करना है। क्या करना है, नेगेटिव फ्रेज नहीं करना आपने। उसके बाद इनको यहां पे ऐड कर दें, ये भी ऐड हो गया। उसके बाद कैंपेन आपने क्या करना है, लॉन्च करना है, डाउन ओनली। अब की बार मैनुअल ब्रॉड, बजट सेट किया आपने और लॉन्च कैंपेन कर दिया। मैंने अब तक तीन कैंपेन क्रिएट किए, मैनुअल एग्जैक्ट, मैनुअल फ्रेज, मैनुअल ब्रॉड और एक ऑटो कैंपेन। 50 कीवर्ड मैनुअल में थे हर कैंपेन में, ऐसे ही 40 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन कितना रिच है, ये रेलेवेंसी देखने के बाद पता चलता है। अच्छा, उसके बाद एक कैंपेन और क्रिएट होगा जो कि 3 से 4 उसके कीवर्ड होंगे, पता है कौन से, हाई फ्रीक्वेंसी हाई कन्वर्जन वाले कीवर्ड। वो कौन से हैं, वेजिटेबल चॉपर है, वेजी चॉपर है, वेजिटेबल चॉपर विद कंटेनर है। ये वो कीवर्ड है जो उन 50 में नहीं होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी कीवर्ड जो 3-4 है उसको निकाल के मैं अलग लेकर आऊंगा, और उसका अलग से एक अलग कैंपेन क्रिएट करूंगा, वो भी मैनुअल एग्जैक्ट होगा। तो अब मेरे पास दो एग्जैक्ट के कैंपेन है, एक वो जो कि मेरे गोल्डन कीवर्ड्स हैं, वेजिटेबल चॉपर, वेजी चॉपर, वेजी चॉपर विद कंटेनर या प्लास्टिक वेजिटेबल चॉपर, जो भी मेरे पास रेलिवेंसी में हाई रेलिवेंसी पे आएंगे। मुझे कितने चाहिए, 3 से 4 चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। उसका आपने क्या करना है, एक और मैनुअल एग्जैक्ट बना देना, गोल्डन कीवर्ड कहलाता है। तो अब मेरे पास कितने कैंपेन हो गए, 5, 4 मैनुअल और एक ऑटो कैंपेन। दैट्स इट, डन, कैंपेन क्रिएट हो गया। कैंपेन क्रिएट होने के बाद अब क्या करें, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, अब क्या करना है, हमने रिजल्ट आने शुरू होंगे, हमारे पास डेटा आना शुरू होगा, हमारे पास उसको रीड करेंगे। अगर डेटा हमारे मुवाफिक आ रहा है, सेल आ रही है, इंडिकेटर हमारा ग्रीन की तरफ जा रहा है, दिस इज गुड, हम और उसको बेहतर बनाएंगे। अगर रेड की तरफ जा रहा है तो हमने क्या एक्शन लेने हैं, हमने वो देखना। सही, अब यहां पर मेरे पास कैंपेन बना हुआ है। आपके पास ये ऑप्शन है, एक ये कि कॉलम्स, अगर कोई कॉलम नहीं दिख रहा हो तो यहां से आप उसको विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं। डेट रेंज, किस डेट रेंज में आप डेटा देखना चाह रहे हैं, नॉर्मली हम 30 डेज में डेटा देखते हैं, ठीक है, मैं यहां लाइफ टाइम पे डेटा देख रहा हूं। यहां से सबसे पहले मैं ऑटो कैंपेन उठाऊंगा जो क्रिएट किया मैंने जस्ट फॉर रीडिंग डेटा। ऑटो कैंपेन में आने के बाद
मैंने आपको बताया था कि ये कैंपेन लेवल की विंडो है, ठीक है? क्या है? कैंपेन लेवल की विंडो है। यहां पे इधर क्या देख रहे हैं आप? प्लेसमेंट। ये वही चीज मैंने बताया था आपको कि आप यहां पे परसेंटेज डाल सकते हैं ताकि आप अपने बिट को बूस्ट कर सके और वो आपको टॉप पे ले जाए ऐसे ही। और जब वो जाएगा तो फिर वो आपको बताएगा भी कि यहां पे भाई मुझे इतने इंप्रेशंस आए थे, इतने क्लिक्स आए थे और यहां से मुझे इतनी सेल मिली है। तो ऑब्वियसली अगर इंप्रेशंस यहां पे और क्लिक थ्रू रेट और स्पेंडिंग के मुकाबले में सेल अच्छी है तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो परसेंटेज है और बढ़ा दूंगा ताकि मेरे पास यहां पर इंप्रेशंस और ज्यादा आए, क्लिक्स ज्यादा आए और सेल ज्यादा आए, मुझे कोई बीट ना करे। यस, मैंने बताया ना, एक डॉलर अगर है तो उसको हम जितना परसेंटेज बढ़ाएंगे उतना डॉलर उसमें ऐड करते जाए टाइम बाय, ठीक है? तो ये आपका क्या है, प्लेसमेंट है। अभी हम एड ग्रुप के अंदर थे, वापस आ गए और इधर यहां पे इस एड ग्रुप के अंदर एक ग्रुप क्रिएट हुआ हुआ है जो कि हमने ऑटो कैंपेन क्रिएट किया था, उसका नाम रखा था हमने, ठीक है? अंदर आए थे, अब हम कैंपेन से ग्रुप लेवल के अंदर जा रहे हैं। ये ग्रुप क्यों क्रिएट होते हैं, कब क्रिएट होते हैं, दिस इज सेपरेट टॉपिक, अभी नहीं बताऊंगा मैं अभी, या फिर वो सारा मिक्स हो जाएगा। अच्छा, हम आ गए यहां पे, अब सेकंड विंडो में कैंपेन के अंदर ग्रुप लेवल पे, किस लेवल पे, अंदर आ गए। यहां पर आने के बाद आपके पास आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, यहां पे दो तीन ऑप्शन है, एक टारगेटिंग, नेगेटिव टारगेटिंग, सर्च टर्म। सर्च टर्म को समझिएगा, सर्च टर्म क्या होता है कि ऑटो कैंपेन चल रहा है, इस सर्च टर्म के सेक्शन में Amazon आपको वो कीवर्ड्स और एसिन दिखाएगा जिसके अगेंस्ट Amazon आपको डिस्प्ले करवा रहा है ऑटो में। नेगेटिव टारगेटिंग क्या है, ये वो सेक्शन है जहां पर मैं अपने पुअर कीवर्ड को, इररिलेवेंट कीवर्ड को, जो मेरे पैसे वेस्ट कर रहा है, उसको वहां से उठाऊंगा और क्या करूंगा, नेगेटिव करूंगा ताकि मेरा कैंपेन इसके ऊपर काम ना करे। टारगेटिंग ऑटो के अंदर मैं नहीं बताऊंगा अभी, वरना आप अगेन मिक्स हो जाएंगे, फिलहाल उसको सरफेस पर रहने दें। अब सर्च टर्म में चलते हैं, ये कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन जो कि अब हम करने जा रहे हैं। मैंने डे सिलेक्ट कर लिया यहां से, सर्च टर्म मेरे पास यहां पे मौजूद है, ये देखें कस्टमर सर्च टर्म, ऐसे ही। अब ये हमारे पास जो है वो सारे कीवर्ड्स, उसके अगेंस्ट इंप्रेशंस, उसके अगेंस्ट क्लिक, उसकी कितनी स्पेंडिंग है, उसका कितना एकॉस है, उसकी कितनी सेल है, उसके कितना आरओएएस है, वही डेटा यहां पर भी रिपीट होगा। हर सेक्टर में आप जहां भी चले जाए ये डेटा सेम रहेगा, जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये जिस लेवल पर चले जाए ये तमाम चीजें जो मैंने आपको अलिफ में बताई थी वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी हर लेवल पे। अब कैंपेन में आने के बाद सबसे पहला जो काम ने ये करना है कि भाई कितने क्लिक्स आए थे और सेल आई, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको सॉर्ट करेंगे हाई टू लो। अब यहां पर एक फॉर्मूला है जो कि आपने फॉलो करना है, वो ये है 10 क्लिक 0 सेल इररिलेवेंट कीवर्ड नेगेटिव दैट कीवर्ड। आ रही बात समझ, मैंने क्या कहा, 10 क्लिक 0 सेल इररिलेवेंट कीवर्ड नेगेटिव दैट सर्च टर्म, कीवर्ड बोल रहा हूं, इस स्टेज पे सर्च टर्म है तो हम सर्च टर्म को क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे अगर वो इररिलेवेंट है तो। अगर तो रेलेवेंट कीवर्ड है, वेजी चॉपर है, वेजिटेबल चॉपर है और उस पर सेल नहीं आ रही और वेस्ट हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो, या वो पैसा जाया हो रहा है, वो कीवर्ड पुअर है, इसका मतलब मेरी प्रोडक्ट में कहीं खामी है, दैट प्रॉब्लम इज इन माई प्रोडक्ट, इमेजेस में, कॉन्टेंट में, प्राइस में कहां गड़बड़ है, फिक्स इट, अदरवाइज योर कैंपेन इज गुड। और इररिलेवेंट है उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से एक कीवर्ड उठाता हूं, अज्यूमिंग के इस पर 10 क्लिक और 0 सेल है, नेगेटिव में आऊंगा और इसको जाके ऐड कर दूंगा यहां पे
इधर इधर आके पेस्ट कर दें, सेव कर दें, एंड दैट्स इट, आपका नेगेटिव ऐड हो गया। अब ऑटो कैंपेन इस कीवर्ड पे नहीं चलेगा, ठीक हो गया। अगर 10 क्लिक है, 3 सेल आ गई, ये तो अच्छा साइन है, इट्स वेरी गुड साइन। क्या करेंगे अब ये करेंगे, उस कीवर्ड को उठाएंगे, एक कैंपेन क्रिएट करें ऑटो टू मैनुअल। क्या क्रिएट करेंगे? ऑटो टू मैनुअल, और उस कीवर्ड को उठा के एक नया कैंपेन क्रिएट करें और वो कीवर्ड वहां डाल दें, उस कीवर्ड का एक कैंपेन क्रिएट कर दें। सही हो गया। उसका बजट कितना है, सीपीसी कितना है वो देखें, वो कैसे पता चलेगा। अगर मैं इस कीवर्ड को उठा के यहां से अलग बनाने जा रहा हूं तो मुझे इसका पता चल रहा है कि सीपीसी कितना है, कॉस्ट पर क्लिक। तो मैं इसका बिड आराम से सेट कर सकता हूं, 58 है ना, मैं 65 कर दूंगा, थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं, ताकि मैं सेल उसके ऊपर सही से रिसीव करता रहूं। और अब क्या किया मैंने कि क्योंकि एक बिड कैंपेन और क्रिएट कर दिया मैंने इस कीवर्ड का, अब ऑटो को मैंने बताना है कि तुमने इस पर काम नहीं करना, क्योंकि मैंने कैंपेन मैनुअल क्रिएट कर दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड को उठा के सर्च टर्म को उठा के नेगेटिव कर दूंगा। तो ऑटो को, ऑटो से अच्छा कीवर्ड उठाना, उसका एक नया कैंपेन क्रिएट करना और ऑटो को नेगेटिव कर देना उस कीवर्ड पे, ताकि दो, एक कीवर्ड पे दो कैंपेन काम ना करे। क्लियर? ये ऑटो का मकसद था, ये ऑप्टिमाइजेशन था। इधर से आपने हर 3 दिन पर आकर आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, और आपने इस तरह के कीवर्ड ढूंढने हैं जो कि गुड कीवर्ड है, उसको आप गुड कीवर्ड्स को उठाए। अब चूंकि आप कैंपेन क्रिएट कर चुके हैं ऑटो टू मैनुअल, तो अब जाके उसमें आप कीवर्ड ऐड कर दें। इस तरह से आपका ऑटो कैंपेन ऑप्टिमाइज होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा है मैनुअल कैंपेन। सेम मैनुअल कैंपेन के अंदर हमारे पास प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के बाद हम वो कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, चले जाएंगे कैंपेन के अंदर ग्रुप लेवल पे। हमारे पास वही डैशबोर्ड खुलता है, टारगेटिंग पे क्या मौजूद है, इस बार हम मैनुअल कैंपेन में है, टारगेटिंग में हमें ये दिखाएगा कितने कीवर्ड है, किन किन कीवर्ड को आपने टारगेट किया हुआ यहां पे, वो ये रहा। तो यहां पर क्या आएगा, वो 50 कीवर्ड आ जाएंगे यहां पे जो कि आपने लॉन्च किए थे यहां पे। क्लियर है? ये देखिए आपके पास डिफॉल्ट बिड भी आ रहा है, ठीक है, और क्या, ये क्या कह रहा है अमेज़न के 1.25 इसके बिड आप सेट करें इस कीवर्ड की। तो मैंने क्या किया, इसको अप्लाई कर दिया, ताकि मैं अपने अप टू डेट कीवर्ड को अपडेट करता रहूं। तो ये कीवर्ड इसका अप्लाई होना लाजमी है। अगर आप इसको सजेस्टेड बिड पे नहीं रखते हैं, लो बिड पे रखेंगे, तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट आपकी कम विन करेंगे ऐसे ही। उसके बाद आप मैनुअल में सर्च टर्म पे चले जाएं। सर्च टर्म में अब आपको यहां पे देखिए थोड़ा सा स्क्रीन डिफरेंट है। वो क्या है कि ऑटो में आपके पास क्या आ रहा था, सिर्फ सर्च टर्म आ रहा था, मैनुअल में क्या आ रहा है, ये दो चीजें न्यू है। आपने तो कीवर्ड दिया था, मैनुअल को फीड किया था, उस कीवर्ड के अगेंस्ट अमेज़न ने क्या किया, ये सर्च टर्म आपको लाके दिया। अब इस सर्च टर्म के अगेंस्ट आपने फिर क्या करना है, क्लिक से सॉर्ट करना है, 10 क्लिक, नो सेल, इररिलेवेंट कीवर्ड, आपने इसको क्या करना है, नेगेटिव कर देना है। कीवर्ड को नहीं करना, किसको करना है, सर्च टर्म को करना है। 10 क्लिक्स, देयर इज सेल, इफ देयर इज अ सेल, आपने क्या करना है, वो तो मैनुअल बना हुआ है, तो अगर सेल अच्छी आ रही है तो आप क्या करेंगे, उसके बिट को थोड़ा बढ़ा देंगे आगे की तरफ। जो बेटर परफॉर्म करता है उसके बजट को भी बढ़ाते हैं, जो बेटर परफॉर्म करता है उसके बिट को भी आगे हम बढ़ा देते हैं, ताकि उसमें कोई कंपीट ना करे और हम पूरे दिन चलते रहे, आउट ऑफ बजट ना हो। मेरी एक सेल आ रही है और कैंपेन आधे दिन में आउट हो गया, जबकि वो सेल अच्छी आ रही थी। अब अगर बजट ना होने की वजह से मेरा सेल रुक गया, अगर दिस इज बैड, मुझे क्या करना है, पूरे दिन का बजट सेट करना है उसके ऊपर। तो ऑब्वियसली बजट इंक्रीज होगा, क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं, सेल ज्यादा हो रही है, स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है, तो आपने बजट क्या करना है, इंक्रीज कर देना। तो ये आपका ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। इस तरह से आप